गांव कस्बे निचले तबके का जो हमारा अति पिछड़ा जो समाज है उसकी तरफ नेताओं का ध्यान कम है, या कहें कि अब इस समाज के कंधे पर पैर रखकर तो राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए हैं लेकिन इस समाज की उपेक्षा वो कर रहे हैं लगा। साथियों नमस्कार, आज मेरी मौजूदगी दिल्ली से चलकर लखनऊ के इको गार्डन में है जहाँ पर भीम आर्मी जय भीम जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नोटियाल हैं उन्होंने एक प्रदर्शन यहाँ पर रखा है। कुछ साथी हैं भीम आर्मी के, इन साथियों से जानने की कोशिश करेंगे क्या मामला है पूरा, क्यों ये आज इको गार्डन में इकट्ठे हुए। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम भीम बौद्ध है, कौशाम्बी से जय भीम जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज ये जो संगोष्ठी बुलाई गई है कि अपना बहुजन समाज कैसे एकत्रित होगा, क्योंकि हजारों संगठन हजारों पार्टियां और हजारों रास्ते तरफ लोग भटक रहे हैं, तो हम लोगों को कैसे एक किया जाए वही पे आज विचार विमर्श होगा। क्योंकि भीम आर्मी से पाँच पाँच छः भीम आर्मी विरक्त हुई हैं और सभी इकट्ठा होने की बात कर रही हैं, खुद विघटन कर रहे हैं और लोगों को कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे संदेश देंगे। ये आपका सवाल बहुत जायज है, इसके लिए मेरे अंदर बहुत रोष भी रहता है कि जनता तो एक हो जाती है, हमारे नेता हमारे संगठन के मुखिया एक क्यों नहीं होते हैं। हम लोग तो शिक्षित हो जाते हैं मगर उनकी अगर ऊपर कोई उंगली उठा देता है शिक्षा पर तो हमें बोलते हैं कि आप पार्टी के विरुद्ध या संगठन के विरुद्ध जा रहे हैं। हमारे अंदर तो बहुत बड़ी कमी है, अभी मैं बोल दूंगा भीम आर्मी या क्या बोलते आजाद समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ, क्योंकि सभी मेरे अपने हैं। बिल्कुल, जितने कैसे होंगे सवाल अभी जो चर्चा आपसे शुरू हुई है, आपने कहा हम सभी को एक करना चाहते, एक करने का मंत्र क्या है? देखिए, एक करने का मंत्र है, बाबा साहब तो बहुत पहले दे गए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। वो तो आप जाके अपने अपने मन से बोलते हैं सबको मगर आप खुद ही नहीं एक हो पाते हैं, जनता कैसे करे बताओ। अगर हमें कोई आवाज़ उठाना पड़ता है तो किनसे पीए हुए जो भी होते हैं इनके मिलने के लिए बहुत दिन लग जाता है, तो हम कैसे इनको एक कर पाएंगे। इनके पास तो बहुत सारे संसाधन हैं, शक्तियाँ हैं, करोड़ों रुपया हैं, वो चाहे तो एक जगह संगोष्ठी जैसे हम लोग इकट्ठा हुए हैं वो लोग इकट्ठा करके अपना विचार विमर्श करें। अगर विचार विमर्श नहीं करेंगे, इकट्ठा नहीं होंगे तो जो 2007 में पूर्व बहुमत सरकार बनी थी आज एक सीट पर सिमट के रह गई है, वो कभी उठ ही नहीं पाएगी। चलिए, बहुत बड़ा सवाल है देश के नेताओं को, कहीं ना कहीं समाज तो एकजुट है, समाज को तो जब कभी बुलाया जाता है वो एक छाते के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन नेता कहीं ना कहीं उनकी जो अपनी मोनोपोली है या उनके अपने प्रोटोकॉल है उसके चलते वो एक दूसरे के मंच पर नहीं जाते हैं, इसके लिए एक बड़ी पहल करनी पड़ेगी। परिचय दीजिए अपना। मैं जिला उन्नाव से आया हूँ इको गार्डन में जी, विधानसभा अध्यक्ष हूँ जी, और भीम आर्मी के जो संगठन के लोग हैं, कार्यकर्ता हमारे लोग सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं इसलिए हम यहाँ आए हैं। चलिए, कहीं ना कहीं एक समीक्षा मीटिंग भी इसको कह सकते हैं। परिचय दीजिए। मेरा नाम देशराज गौतम है जी। गौतम जी, मैं जिला पीलीभीत से हूँ जी, मंडल बरेली। आज यहाँ पर इको गार्डन में हम सभी समाज के साथी इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर जो दिशा निर्देश मिलेंगे उन दिशा निर्देशों पर हम सभी मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे और मिशन को आगे बढ़ाएंगे। रही बात नेताएं लोगों की, तो वो तमाम लोग पैसा इकट्ठा कर और अपना पद और अपने आप को ऊंचा देखने का काम करते हैं, और समाज जो हमारा छोटा समाज है गांव के स्तर से, वो समाज कहीं ना कहीं पर क्षतिग्रस्त है, उनको देखा नहीं जाता है, और हम सभी लोग अपनी आवाज़ अपने स्वयं उठाते हैं, जो हम लीडर बना देते हैं छोटे स्तर के लोग वो अपने आप को ही ऊंचा देखते हैं, हम लोगों को कहीं पर कोई समाज देखते नहीं है। इतने पीड़ित हो रहे हैं हम सभी लोग, इतने हमारे समाज में अत्याचार हो रहे हैं, बहुत तमाम ऐसे देखे जाए तो कहीं पर बलात्कार, कहीं पर अपहरण हो रहा है हमारे समाज में, ये कोई नेता गहरी निगाह से नहीं देखता है। एक और सवाल निकल कर आया है कि जो गांव कस्बे निचले तबके का जो हमारा अति पिछड़ा जो समाज है उसकी तरफ नेताओं का ध्यान कम है, या कहें कि अब इस समाज के कंधे पर पैर रखकर तो राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए हैं लेकिन इस समाज की उपेक्षा वो कर रहे हैं लगातार, क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अर्जुन सरोज है, मैं जिला अध्यक्ष कौशाम्बी से हूँ जी। अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो गांव स्तर के जो भी लोग हैं उनके कंधों पर पैर रख के लोग नेता बन जाते हैं लेकिन वो समाज वहीं का वहीं पड़ा रहता है। इसके बारे में हम लोगों ने एक प्लान किया है, जो अभी आपने हमारे जिला उपाध्यक्ष जी सवाल किया था कि ये समाज इकट्ठा कैसे हो, समाज इकट्ठा करने के लिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया है
कि जो बड़े नेता नहीं इकट्ठा होना चाहते अपने ईगो के कारण, वो लोग नहीं इकट्ठा होना चाहते, वो सब चाहते हैं कि मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहा हूँ, जो कुछ रहूँ मैं ही रहूँ, दूसरा कुछ ना होने पाए। हम ऐसे लोगों को कार्यकर्ताओं के द्वारा तैयार करके ऐसे लोगों का बायकट कर देंगे सीधा सा। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम ही हम हैं, उन लोगों को सीधा पीछे छोड़ देंगे। और बड़े भाई मंजीत नोटियाल जी के नेतृत्व में हम सारे देश के कार्यकर्ताओं को, सभी संगठन के कार्यकर्ताओं को एक करके एक मंच पे लाएंगे, तब जाके हमारा समाज आगे बढ़ेगा, उसके ऊपर जुल्म और जाति कम होगी, या तो हम लोग उसको ख़त्म करेंगे, अन्यथा ऐसे बटे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। नेताओं के चक्कर में अब हम समाज को नहीं छोड़ेंगे, हम समाज को समाज के ही लोग बचाएंगे। एक और नया मुद्दा कहें या इसको अपील भी कह सकते हैं कि जैसा कि भाई ने बताया कि नेता खुद तो एक नहीं है, समाज तो पूरा एक है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज को भी सजग होना पड़ेगा, अपने नेताओं के ऊपर नज़र बनाकर रखनी होगी। क्या परिचय हुआ आपका? हमारा राजेश यादव नाम है, हम तो लखनऊ के ही रहने। लखनऊ से ही है? हाँ, लखनऊ माल ब्लॉक पड़ता है। समाज की आवाज़ के लिए आए हैं तो ये तो बड़ी खबर है ना। हाँ, नहीं नहीं, भंते जी ने सुबह फोन किया कि राजेश यादव जी चलना है, हमने कहा कि हाँ, कला इको गार्डन, हमने कहा क्या है, कला वहाँ भीम आर्मी की तरफ से एक बाबा साहब के विचारों की एक लोग इकट्ठा होंगे, आप आइएगा तो हम भी आएंगे। हम भी एक संस्था चलाते हैं, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन जागृति समिति, जिसका रजिस्टर नंबर है 289/15। जैसे भैया ने ये बात कही, बहुत अच्छी कही, कि आज जो है समाज, जो गरीब समाज है, आज वो सक्षम इसलिए नहीं हो रहा कि हर समाज का, परिवार का हर व्यक्ति बिखड़ा हुआ है, और जब तक हम बिखड़े रहेंगे तब तक हम समाज में कुछ भी नहीं दे सकते हैं। जैसे मान्यवर साहब, अब बिखरने का रीज़न ये है कि स्वार्थ के बस सारे नेता बिखर जाते हैं। जैसे जब तक मान्यवर साहब रहे तब तक समाज को जोड़ते रहे, बल्कि अपनी SC समाज को भी जोड़ा, और प्लस ABC को भी उन्होंने साथ लेके चला, और उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने साइकिल चला करके लोगों को जगा करके माननीय जी को 3 बार मुख्यमंत्री इस उत्तर प्रदेश के राज्य, देश के सबसे बड़े राज्य का उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। जब तक मान्यवर साहब जैसे कार्यकर्ता ईमानदार नहीं मिलेगा, तब तक समाज एकजुट होना बड़ा कठिन है। समाज को एकजुट होने के लिए खुद को त्याग करना पड़ेगा। खुद मान्यवर साहब ने कभी आज तक हमारी दृष्टि से सरकारी बंगले, सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं किया, और खुद निजी गाड़ी से चले, किसी भी संस्था का पैसा 1 रुपया नहीं खर्च किया, बाकी सब समाज को ही दे दिया। जब तक, जब ऐसा व्यक्ति आ जाएगा मान्यवर साहब जैसा, तब समाज ऑटोमेटिक एकजुट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं काशीराम बनने के लिए खुद काशीराम साहब की तरह आपको घर से निकलना होगा। जैसा कि भाई ने बताया कि वो इतने बड़े पदों पर रहे, सांसद भी रहे, नेता भी रहे देश का, उन्होंने SC ST OBC माइनॉरिटी समाज का नेतृत्व भी किया, कभी भी उन्होंने सरकारी गाड़ियों का उपयोग नहीं किया, सरकारी भवनों का उपयोग नहीं किया। एक तरफ हमारे नेता सांसद बाद में बनते हैं, विधायक बाद में बनते हैं, पहले वो सरकारी जो सुविधाएं हैं उनको लेना शुरू कर देते हैं, समाज से कट जाते हैं। तो बहुत सारी चर्चाएं हैं जो आज पूरे दिन आज की इस मीटिंग में होनी है। आदरणीय जयप्रकाश सिंह जो बसपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, वो आज के मुख्य वक्ता हैं, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, उनका भी वक्तव्य हम आपको सुनवाएंगे आज के इस कार्यक्रम से। मैं हूँ अपने सहयोगी रोहित गौतम के साथ लखनऊ के इको गार्डन से। धन्यवाद।